सो हेलो एवरीबडी वेलकम टू एंथ्रोशाला एंड वेलकम टू दिस वीडियो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर मैरिज एंड फैमिली एंड दिस इज़ द डे सेकेंड जैसे कि आप सबको पता है दैट वी आर डूइंग आ रिवीज़न एंड आंसर राइटिंग सीरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सो हम इस सीरीज़ के अंदर रोज़ एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो स्कीम है जिन बच्चों ने जो है वो पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उनके लिए हमने ये शुरू किया है कि हम रोज़ एक एक थीम को पकड़ेंगे एक एक चैप्टर को पकड़ेंगे और उनमें जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे सो so, इस वीडियो में जो थीम रहेगा जो हमारी स्कीम रहेगी वो ये रहेगी कि पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पकड़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थीम्स को डिस्कस किया जाए कि कौन कौन से थीम से जो है वो यू पी एस सी क्वेश्चन पूछ रहा है और फिर हम बारी बारी करके जो है एक एक थीम करके उनके ऊपर अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करें अपना जो कंटेंट है वो बिल्ड करने की कोशिश करें सो अनदर व वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इफ़ यू वॉन्ट टू अवेल द पी डी एफ ऑफ दिस वीडियो और आप इस चैनल के ऊपर कोई भी इन फ्यूचर कोई भी आपके पास वीडियोज़ आती हैं तो आपको सारी की सारा जो कंटेंट होगा सारी की सारी जो पी डी एफ्स होंगी दैट विल भी अवेलेबल फॉर फ्री ऑन दी ओ टू आई एस अकेडमी ऐप सो so, अगर आप इस पी को अवेल करना चाहते हैं इस पी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ओ टू आई एस अकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस ओ टू आई एस ऐप के स्टोर सेक्शन में जाइए स्टोर सेक्शन के अंदर आपको ये जो कोर्स है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिविजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा इस कोर्स में जाइए कोर्स के ऊपर क्लिक कीजिए वहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ बना होगा फ्री रिसोर्सेज का तो आप फ्री रिसोर्सेज का जो फोल्डर है उसको आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे जो है वो आपको ये जो पी है इसके आ, इसको आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट विद द मैरिज चैप्टर तो स्टार्टिंग जो है वो हम मैरिज चैप्टर से करेंगे देन वी विल मूव टूवर्ड्स द फैमिली चैप्टर सो 2020 2021 के अंदर यह सवाल पूछा गया था मैरिज रेगुलेशन एंड अलायंस थ्योरी ऐसे क्वेश्चनस जो हैं वो काफ़ी कॉमन हो गए हैं आजकल यू के अंदर पहले क्या था जनरली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन व आस्ट पहले जनरली आपके पास बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे कि आपके पास जैसे मैरिज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैरिज रेगुलेशन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ मैरिज और प्रेफरेंशियल मैरिज डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज तो ऐसे आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो थे वो पूछे जाते थे लेकिन आजकल क्या है कि एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ रहा है एनालिटिकल क्वेश्चंस के अंदर जो एनालिटिकल क्वेश्चंस की खासियत है व्हाट हैपन्स इज कि दो चैप्टर्स दो अलग अलग चैप्टर्स को इंटरलिंक किया जाता है जब आप दो अलग अलग चैप्टर्स को इंटरलिंक करते हो जैसे इसके अंदर इंटरलिंकेज है आपके पास अलायंस थ्योरी जो है यू स्टडी इन द किनशिप चैप्टर जो अलायंस थ्योरी है इसको आप किनशिप चैप्टर के अंदर स्टडी करते हो और जो आपके पास मैरिज रेगुलेशंस हैं द मैरिज रेगुलेशन दे आर इन मैरिज चैप्टर तो बेसिकली जब ये एंड आ जाए एंड का मतलब मैंने पिछले जो वीडियोस हैं उनके अंदर भी मैंने इस चीज़ को बार बार समझाया है कि एंड का मतलब ये नहीं होता कि पहले आप मैरिज रेगुलेशंस को डिस्कस करो फिर उसके बाद आप अलायंस थ्योरी को डिस्कस करो एंड का मतलब होता है रिलेशनशिप व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैरिज रेगुलेशंस एंड द अलायंस थ्योरी अलायंस थ्योरी और मैरिज रेगुलेशन के बीच का रिलेशनशिप क्या है ठीक है देखिए जब आप लेविस्ट्रॉस की बात करते हो लेविस्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी की बात करते हो तो लेवस्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी जो है वो इंसिस्ट टैबू को एक पॉजिटिव रूल मानती है ठीक है वैसे तो है वो टैबू तो, वो ये बता रहा है कि कहाँ पे आपके आपने जो है वो शादी नहीं करनी लेकिन जो लेविस्ट्रॉस हैं वो इंसिस्ट टैबू को एक पॉजिटिव रूल की तरह मानते हैं अब बात आती है कि वो पॉजिटिव रूल की तरह क्यों मानते हैं क्योंकि लेविस्ट्रॉस का मानना है कि आपके पास जो इंसिस्ट टैबू है उसकी वजह से आपके पास अलायंस बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हुई उसकी वजह से आपके पास जो है वो एक्सचेंज सिस्टम स्टार्ट हुआ और एक्सचेंज सिस्टम के अंदर क्या आता है आपके पास रेगुलेशन आती हैं अगर आप गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज सिस्टम बताओ तो वहां पे सर्विस एक्सचेंज रेगुलेशन आ जाती हैं अगर आप विमेन के एक्सचेंज की बात करो बिकॉज लेविस्ट्रॉस कहते हैं कि पहले तीन तरह का जो है वो एक्सचेंज शुरू हुआ एक था आपके पास गुड्स के अंदर एक्सचेंज एक था आपके पास फूड के अंदर एक्सचेंज सर्विसेज के अंदर एक्सचेंज और एक था आपके पास विमेन के अंदर एक्सचेंज ठीक है तो आपके पास तीन तरह का जो है वो एक्सचेंज शुरू होता है और अब एक्सचेंज को इंसानों ने मेंटेन करके भी रखना है तो इन, इस एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए जो है वो आपके पास रेगुलेशंस होनी जरूरी हैं तो दो तरह की आपके पास रेगुलेशंस या फिर दो तरह की मैरिज रेगुलेशंस बनाई एक थी आपके पास सिंपल सोसाइटीज़ के लिए एक थी आपके पास कम्पलेक्स सोसाइटीज के लिए सिंपल सोसाइटी के लिए जो रेगुलेशन बनाई गई वो थी पॉजिटिव नेचर की रेगुलेशन और जो कम्प्लेक्स सोसाइटी है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर आपके पास नेगेटिव रेगुलेशन थी नेगेटिव नेचर की टैबू बेस्ड रेगुलेशंस थी ठीक है पॉजिटिव रेगुलेशन सिंपल सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब क्या है कि यहां पे आपको ये बताया जाएगा कि भाई साहब कहां पे आप मैरिज कर सकते हो और नेगेटिव रेगुलेशंस के अंदर यह बताया जाएगा कि आप कहां पे मैरी नहीं कर सकते देखिए अलायंस थ्योरी से नाउ यू हैव मूव टूवर्ड्स दी मैरिज रेगुलेशंस। एंड का मतलब यह नहीं है कि आपने जो है वो पहले मैरिज रेगुलेशन बताना और अलायंस थ्योरी बताना ये गलत है ऐसे आप नहीं लिखोगे एंड का मतलब है कि आप जो है वो पहले अलायंस थ्योरी और मैरिज रेगुलेशन के बीच का जो संबंध है उसको आप सबसेंशिएट उसको आप स्थापित करके दिखाओगे कि देखो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक में हैं ठीक है इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं सो so, इसका जो है वो आपके पास हाउ इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इसका जो है वो इंट्रोडक्शन किस तरह से होना चाहिए सो so, सबसे पहले अलायंस थ्योरी इट प्रेजेंटेड बाय लेवी लेविस्ट्रॉस उनकी किताब आई थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये सोसाइटी नहीं है ये गलत लिखा है इट इज एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ठीक है सो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप सॉरी सो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप के अंदर जो है इन्होंने ये बताया कि आपके पास जो इंसिस्ट टैबू है इंसिस्ट टैबू जो है इट्स अ Uh, जो एक्सचेंज है इंसिस्ट टैबू की वजह से जो शुरू हुआ है दैट्स अ पॉजिटिव सोशल वैल्यू ठीक है और सबसे पहले तीन चीज़ों के अंदर जो है वो आपके पास एक्सचेंज शुरू होता है कौन कौन सी ती, तीन चीज़ों के अंदर जो है वो आपके पास एक्सचेंज शुरू होता है फूड के अंदर गुड्स के अंदर और गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर और विमेन के अंदर तो ये आपके पास जो तीन चीज़ें हैं इनके अंदर जो आपके पास एक्सचेंज है वो शुरू हो जाता है फिर उसके बाद ही स्टेटेड दैट द इंसिस्ट टैबू इंसिस्ट टैबू कैसे स्टार्ट होता है देखिए लेविस्टॉस कहते हैं कि पहले आपके पास बाइनरी ऑपोजिशंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं पहले माइंड के अंदर आपके पास जो है वो बाइनरी ऑपोजिशन जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं बाइनरी ऑपोजिशन की वजह से आपके पास जो है वो इंसिस्ट टैबू जो है वो शुरू हो जाता है बनना शुरू हो जाता है ठीक है तो इनसे बाइनरी ऑपोजिशंस का मतलब क्या है कि आप भेद करना स्टार्ट कर देते हो आप ऑपोजिशन बनाना स्टार्ट कर देते हो बिटवीन दी कंसेंगुनिटी एंड एफिनिटी कंसेंग्यूनिटी और एफिनिटी के बीच में आप ऑपोजिशन आप कंट्रास्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो ठीक है तो आपके पास जब आप कंसेंग्यूनिटी और एफिनिटी के बीच में एफिनिटी का मतलब है फाइनल रिलेशनशिप जो आपका ब्लड है ब्लड और मैरिज के बीच में जब आप ऑपोजिशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो इट लीड टू आप अपने जो आपका ग्रुप है, आप उस ग्रुप से बाहर जो है वो मैरी करना शुरू कर देते हो ठीक है तो इंसिस्ट टैबू जो है ये एक पॉजिटिव वैल्यू सोसाइटी के अंदर क्रिएट करता है ये जो है वो आपके पास एग्जोगेमी क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है ठीक है अब इससे जो है वो आपके पास प्रेफरेंशियल मैरिज किस तरह से डेवलप होती हैं तो आपके पास दो तरह की प्रेफरेंशियल मैरिज डेवलप होती हैं एक आपके पास एलिमेंट्री सोसाइटीज के अंदर जो कि आपके पास परमिटिव सोसाइटीज के अंदर होती हैं एक आपके पास कंप्लेक्स सोसाइटीज के अंदर होती है इन दर्मिटिव सोसाइटीज यू फॉलो दी पॉजिटिव रूल्स पॉजिटिव रेगुलेशंस एंड इन दम्प्लेक्स सोसाइटीज यू फॉलो द नेगेटिव रेगुलेशंस ठीक है जी पॉजिटिव रेगुलेशन यानी कि परमिटिव सोसाइटी के अंदर अगेन देर आर टू काइंड ऑफ रेगुलेशन और टू काइंड ऑफ मैरिज वन इज समिट्रिकल एंड अदर इज असमिट्रिकल समेट्रिकल का मतलब है कि आपके पास अगर आपने अपनी वीमेन दी है तो आपको वीमेन मिलेगी भी असिमिट्रिकल का मतलब है कि वीमेन का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर रहेगा ठीक है डायरेक्शन क्या चीज है ये हम आगे चल के करेंगे फिर सिमेट्रिकल के अंदर अगेन सिमेट्रिकल इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वन इज डायरेक्ट अदर इज डिलेड ठीक है और डायरेक्ट और डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज देन यू हैव अर्मिट्रिकल सिमेट्रिकल के अंदर आपके पास इनडायरेक्ट और जनरलाइज्ड एक्सचेंज कंप्लेक्स सिस्टम्स कम्पलेक्स सिस्टम्स यानी कि नेगेटिव रूल्स ऑफ रेगुलेशंस जो आपके पास नेगेटिव रूल्स हैं इन नेगेटिव रूल्स यू हैव क्रो मााह सिस्टम ठीक है आपके पास क्रो अमाहा सिस्टम आ जाता है आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स सिस्टम्स आ जाते हैं क्रो अमाहा सिस्टम के अंदर जो है वो लीनिएज के अंदर मैरी करना जो है वो प्रहिप्टड होता है कंप्लेक्स सिस्टम के अंदर आपके पास और ज्यादा जो है प्रहिप्शन डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं ठीक है लेट स्टार्ट हर एक को हम देखने की कोशिश करते हैं पहले है डायरेक्ट एक्सचेंज डायरेक्ट एक्सचेंज के अंदर क्या होता है इन दी डायरेक्ट एक्सचेंज यू हैव टू ग्रुप्स दो ग्रुप्स हैं आपके पास ए ग्रुप और बी ग्रुप ए ग्रुप की जो विमेन है वो बी ग्रुप के अंदर जा रही हैं और बी ग्रुप की जो विमेन है वो ए ग्रुप के अंदर जा रही हैं ठीक है एंड दीज बोथ थिंग्स दे आर हैपनिंग इन वन जनरेशन एक ही जनरेशन के अंदर ये जो चीजें हैं ये आपके पास हो रही हैं दूसरा आ जाता है आपके पास डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज यू हैव पैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस पेट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस का मतलब क्या है कि आपके पास इन दिस टाइप ग्रुप ए गिव्स द वीमेन टू ग्रुप बी इन वन जनरेशन और दूसरे जनरेशन में ग्रुप बी को रेसिप्रोकेट करना पड़ता है सो आपके पास जैसे ग्रुप इन दिनरेशन वन लेट से दिस इज जनरेशन फर्स्ट दिस इज जनरेशन सेकेंड तो जनरेशन फर्स्ट के अंदर क्या है कि आपके पास ग्रुप ए से ग्रुप बी को विमेन जाएंगी जनरेशन सेकंड के अंदर आपके पास जो है वो ग्रुप बी ग्रुप बी जो है वो ग्रुप ए को जो विमेन है वो रेसिप्रोकेट करेगा क्यों क्योंकि पहली जनरेशन में आपके पास ए टू बी विमेन गई थी ठीक है जब आप पेट्रीलिनील क्रॉस कजर मैरिज करते हो देन पैट्रीलिनियल क्रॉस कजर मैरिज से यही होता है अगली वीडियोस के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे दैट हाउ द पैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिजे इट रिजल्ट इन द डिलेड डायरेक्ट एक्सचेंज ठीक है फिर उसके बाद आगे आ जाता है आपके पास अर्स सिस्टम अर्स सिस्टम के अंदर आपके पास मेट्री और मैट्रिलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस आ जाती हैं इन द मैट्रीलियल क्रॉस कजन मैरिजेज जनरेशन वन में आपके पास जो है वो ए टू बी अगर वीमैन जा रही हैं तो जनरेशन टू के अंदर भी ए टू बी वीमेन ही जाएंगी ठीक है तो लेट से आपके पास जो है वो आपके पास तीन ग्रुप्स हैं ठीक है सोसाइटी के अंदर अगर जनरेशन फर्स्ट ऐसे जा रहा है वीमेन का एक्सचेंज तो जनरेशन टू के अंदर दोनों जनरेशन के अंदर जनरेशन फर्स्ट और जनरेशन सेकंड दोनों जनरेशन के अंदर वीमैन का जो फ्लो है वो इसी तरह से रहेगा लेकिन अगर आप पेट्रीलिनियल क्रॉस कजर मैरिज की बात करो तो अगर जनरेशन वन के अंदर ये क्लॉक है तो आपके पास जनरेशन टू के अंदर ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा ठीक है इस चीज को जो है वो आप समझिए ये जो है दीज आर दी सेलियंट फीचर्स एंड दिस स्लाइड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंप्लेक्स सिस्टम के अंदर क्या होता है यू ले डाउन द रेगुलेशन हुम यू शुड नॉट मैरी आपको जो है वो किसको मैरी नहीं करना है आप इसकी रेगुलेशंस को ले डाउन करते हो सो दीज आर फोर मैरिज रेगुलेशंस ये आपकी चार मैरिज रेगुलेशंस हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है एलिमेंट्री सिस्टम ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया आपके पास जो न्यू गिनी का एरिया है आपके पास जो ऑस्ट्रेलिया है या फिर साउथ अमेरिका है वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर एलिमेंट्री सिस्टम जो रहते हैं देन क्रो ओमाहा सिस्टम जो कि कम्प्लेक्स सिस्टम का एक सब सिस्टम है द क्रो ओमाहा सिस्टम इट इज़ इन द नॉर्थ अमेरिका और बाकी जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं दे आर द इंडो यूरोपियन सिस्टम्स और अफ्रीकन सिस्टम्स ठीक है तो वो ज़्यादातर आपके पास अफ्रीकन सोसाइटीज़ या फिर जो आपके पास इंडो यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं जैसे आपके पास इंडियन सोसाइटी है कुछ यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं आर्यन सोसाइटीज़ हैं सो इनके अंदर आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो हैं वो देखने को मिलते हैं ठीक है सो बोथ क्रोअमाह सिस्टम एंड दी कम्प्लेक्स सिस्टम्स दे हैव नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज तो उनके अंदर जो है वो नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज आ जाते हैं ठीक है आई होप ये सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो रही होंगी अब बात आती है क्रिटिसिज्म की जो पहला क्रिटिसिज्म है वो होम और स्नाइडर से जो है वो आता है होम और स्नाइडर ने इसका जो है वो क्रिटिसिज्म किया है वो कहते हैं कि जो आपके पास क्रॉस कजन मैरिज हैं क्रॉस कजन मैरिजिज का बहुत कम लेना देना जो है वो अलायंस के साथ होता है बहुत कम जो है वो लेना देना जो है वो हमारी मैंटेलिटी के साथ होता है सो so बेसिकली जो आपके पास स्नाइडर हैं डेविड स्नाइडर जो हैं वो इस चीज़ को डिसेंट के मामले से जो है वो समझाते हैं वो डिसेंट लीनियलिटी के प्रस्पेक्टिव से जो है वो समझाते हैं वो कहते हैं कि आपके पास देर इज़ डिसेंट डिसेंट का मतलब है जैसे आपका रिश्ता आपके फादर के साथ आपके फादर का रिश्ता उनके फादर के साथ तो जब आप डिसेंट की बात करते हैं तो जो आपके पास डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है या फिर आपके पास जो डिसिप्लिनरी इमोशंस हैं, वो फादर साइड से फ्लो करते हैं और जो आपके पास सेंटिमेंटल सेंटीमेंटल सेंटिमेंटल अफेक्शन के वो जो हैं वो मदर साइड से ठीक है दे आर जनरेटेड फ्रॉम दी मदर साइड वो मदर साइड से आपकी तरफ जो है वो आते हैं तो इसकी वजह से इस डिसेंट होने की वजह से आपके पास जो लेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस हैं दीज जीज लेटरल क्रॉस कजन मैरिजेस जो हैं दे आर वेरी स्टेबल वो आपके पास जो है वो स्टेबल रहती हैं ठीक है तो होम्स और शनाइडर अलायंस को खारिज करते हैं मेट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस के लिए क्योंकि मेट्री उन्होंने जो आपके पास आ, हैं है लेविट्रॉस ने अलायंस को जिम्मेदार ठहराया है ले, लेविस्ट्रॉस ने कहा है कि आपके पास अलायंस है अलायंस की वजह से यह सब कुछ हो रहा है लेकिन डेविड स्नाइडर और होम क्या कहते हैं कि नहीं सर अलायंस नहीं है ये डिसेंट है डिस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है देन उसके बाद स्ट्रक, कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट हैं जैसे आर सी ब्राउन है गुडी Fort, हैं है. वो कहते हैं कि लेबिस्ट्रॉस की ये जो थ्योरी है ये कंसेंगूनिटी और एफिनिटी को पूरी तरह से काउंटरपोज कर देती है लेकिन ऐसी बात नहीं है ठीक है तो आपके पास जैसे रेड क्लिफ़ ब्राउन ने भी मेयर फोर्टिस ने भी दोनों ने टेरिटोरियलिटी को देखा है अफ्रीकन सोसाइटीज़ के अंदर टेरिटोरियलिटी के ऊपर दोनों ने काम किया है तो इन्होंने ये पाया है कि आपके पास जब आप मैरी करते हो जब आप मैरिज करते हो तो मैरिज के अंदर टेरिटोरियलिटी का कंसेप्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टेरिटोरियलिटी का मतलब क्या है कि जब आप लड़की ढूंढते हो तो लड़की ढूंढ दूंट, ढूंढने के टाइम के ऊपर ये जरूर देखा जाता है कि लड़की का रेजिडेंस कहां पे है, लड़की रहती कहाँ पे है लड़की का परिवार कहाँ पे रहता है तो आपके पास अगेन ये स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट जैसे रेडक्लिफ ब्राउन है मेयर फोर्टिस हैं गुडी है अगेन वो डिसेंट को क्योंकि कहाँ आपका घर कहाँ पे होगा ये ज़्यादातर जो है वो आपका डिसेंट ही बताता है आपका घर ज़्यादातर अपने पितर के घर अपने पिता या फिर अपनी माता के घर के पास होता है तो उसकी वजह से आपके पास जो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट हैं ये पूरी तरह से लेविस्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी को खारिज कर देते हैं क्योंकि लेविस्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी ने विपरीत रखा है दोनों को विपरीत रखा है कंसेंगुनिटी को विपरीत रखा है एफिनिटी के लेकिन अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम डिसेंट थ्योरिस्ट या फिर इन स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट की बात करें तो इनकी थ्योरी में हमें ये अभाव होता है इस इनकी थ्योरी में हमें ये पता चलता है कि दोनों चीज़ें कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं कंसैगुनिटी और एफिनिटी दोनों एक दूसरे के कोआर्डिनेशन में काम कर रही हैं ठीक है तो अगला जो आपके पास क्रिटिसिज्म है ये आपके पास एडमिट लीच से आता है तो एडमिट लीच ने काम किया कांचंस ऑफ बर्मा के अंदर तो जब उन्होंने कांचन्स ऑफ बर्मा के अंदर काम किया तो इन्होंने ये पाया कि जो लेविस्ट्रॉस का मॉडल है वो इम्पेरिकल फैक्ट्स को मैच नहीं कर रहा है ठीक है तो लेविस्ट्रॉस को इन्होंने कहा कि आपका माइक्रो एनालिसिस है बहुत छोटे लोकल लेवल के ऊपर आपने एनालिसिस किया हुआ है ठीक है सो दीज वर दी मेन क्रिटिसिजम ऑफ दी अलायंस थ्यूरी और अलायंस थ्यूरी से जो आपके पास मैरिज रेगुलेशन जो है वो डराइव हुई है ओके चलिए थैंक यू वेरी मच होप ये जो है वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा थैंक यू